नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देखें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल, मुख्यालय पर भाजपा नेताओं ने दिया धरना, किया प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए भाजपा को बड़ा मुद्दा मिल गया है, जहां भाजपा नेता इस मामले को बड़ा तूल दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पूरी पार्टी पर हमला बोला। इसी को लेकर आज शनिवार को फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर भाजपा नेताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र अपर जिलाधिकारी को सौंपा एवं धरना प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धर्मेंद्र साहू के घर से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद होने के मामले में भाजपा ने कांग्रेसियों पर हमला बोला है। वहीं भाजपा नेताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी ने कांग्रेस के प्रति जबरदस्त नाराजगी जाहिर की। वहीं इस मौके पर सांसद चंद्रसेन जादौन, उदय प्रताप सिंह राणा, राकेश अंकवार, ओम प्रकाश वर्मा, विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर, लक्ष्मी नारायण यादव, मेयर कामनी राठौर, अमित गुप्ता, राम नरेश कटारा सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं सहित सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए रवि वशिष्ठ के साथ। चला हुआ कांग्रेस के द्वारा जल थल वायु हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार की सीमाओं को लांघा गया है। कांग्रेस के राज्य श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती राहुल गांधी, श्रीमान राहुल गांधी जी दोनों इस समय कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। पार्टी के द्वारा जो लगातार देश स्वतंत्र हुआ है, तब से लगातार जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, सत्ता से दूर रहने के बाद भी कहीं ये सत्ता जरासी भी मिल जाती है या कोई सांसद या राज्यसभा सांसद उनका बनता है, वो कहीं कहीं भी ये भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं चूकते हैं। इसी क्रम में 3 दिन से लगातार एक धीरज साहू जी राज्यसभा सांसद है, उनके घर पर जो छापा मारा है सरकार ने, उसमें 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। जो पैसा गिनने वाली मशीनें हैं, वो पैसा गिनने वाली मशीनें भी अपने को पैसा गिनने में असहाय महसूस कर रही हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एक वहाँ की सांसद है मोहित्रा जी करके, उन्होंने प्रश्न लोकसभा में प्रश्न पूछने के लिए जनता उन प्रतिनिधि को चुनती है, जनता का विकास करें, जनता की समस्याओं को सदन में रखें जिससे देश का विकास हो। माननीय मोदी जी विकास की बात करते हैं, ये कांग्रेस के जितने लोग रह गए हैं वो भी वो केवल और केवल भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इसी के निमित्त आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का काम किया गया कि ऐसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई करके इनको सजा देने का। आज भारतीय जनता पार्टी फिरोजाबाद की ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन यहाँ दिया गया है, जिसमें मुख्यतः कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व में किए गए भ्रष्टाचार संबंधी तथ्यों का उल्लेख करते हुए और वर्तमान में धीरज साहू जी के संबंध में उल्लेख करते हुए जांच के लिए और दंडात्मक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। तो उक्त ज्ञापन को हम लोग विधिवत माध्यम से संबंधित को पहुंचाने का करेंगे।